ये मैं तहसीलदार मंडल गुड़ा, यहाँ जो आवाम प्याज ले रही है, ये सब्सिडी प्याज जो ले रही है उसको थोड़ा इंस्पेक्शन करने के लिए आया, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन है, क्योंकि ट्रैफिक का मसला भी हो रहा है। लिहाजा मैं आके देखा तो यहाँ क्या है, बोले तो रईत बाज़ार में दो काउंटर्स खोले, यानी कि एक जेंट्स के लिए है, एक लेडीज़ के लिए है, लिहाजा दो भी स्मूथ चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडी परफेक्ट है और प्याज भी अच्छी है, यानी कि बनिस्बत बाहर के अच्छी है प्याज। और सबको मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई सब्सिडी प्याज लीजिए। प्याज के बारे में तो प्याज कभी अच्छी आ रही कभी ख़राब आ रही, प्याज जो है तो छोटी डली है, अब तो उससे पहले जो है तो अच्छी जो है तो बड़ी डली थी, गोल सूखी प्याज थी। अब वो कैसा भी बाज़ार में तो रेट बहुत महंगा है, वो 60-70-80 रुपए रेट है, अब मजबूरन ठहर के तो लेना ही पड़ता है। अब यहाँ कैसे दे रहे हैं? यहाँ तो 20 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, बोल के तो इतना ठहरे हैं लाइन में। चार किलो या 5 किलो तो होना चाहिए, 2 किलो क्या बस होती है बताइए, या नीचे से ज़्यादा है तो क्या बस होती है। जब तक कि जो है जिसका असल कार्ड है उन्हीं को दे रहे हैं, अब जिसका असल कार्ड नहीं है जैसे हिस्सा कर देते हैं। फलकनुमा, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से सब्सिडी ऑनियन 20 रुपीज़ के जी पर फैमिली 2 kgs के स्कीम पे स्टार्ट किया गया है, जिससे यहाँ के तकरीबन एरिया के कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और